जी हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी अभी 2 मिनट पहले बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 को लेकर जो लंबे समय से चल रहा इंतजार वो अब समाप्त होगा, क्योंकि किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान कर्ज माफ़ी योजना। जी हाँ साथियों, केसीसी किसानों की बल्ले बल्ले, क्योंकि सरकार करने जा रही है किसान कर्ज माफ़। किसान कर्ज माफ़ी योजना की नोटिस जारी हो चुकी है। किसानों की बल्ले बल्ले सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों को राहत देने के लिए किसान कर्ज माफ़ी योजना की नई सूची जारी कर दी है। किसानों को खेती बाड़ी के लिए सरकार द्वारा केसीसी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके कारण किसानों को जो है आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि आर्थिक सहायता राशि मदद के रूप में मिल पाती है। लेकिन सरकार का जो एक केसीसी का ऋण जो है ये किसानों के ऊपर एक तरीके से बोझ बन जाता है। किसी कारणवश किसानों की फसलें जो बर्बाद हो जाती है या उस कैटेगरी में, उसके दौरान किसान अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी स्कीम को लेकर मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करने जा रही है। जितने भी केसीसी कार्ड धारक हैं उन सभी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। जो किसान डिफॉल्टर की सूची में शामिल हो चुके हैं उन किसानों को ही कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा। कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रुपये तक की कर्ज माफ़ी होगी। कर्ज माफ़ी जो है 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के बीच में जितने भी कर्ज धारक हैं उन किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। साथ ही में 18वीं किस्त की बात करें तो 18वीं किस्त जो है लगभग अगस्त के माह में ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे ही 18वीं किस्त को लेकर कोई ऑथेंटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ में किसान कर्ज माफ़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है जैसे ही शुरुआत होगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी कर्ज माफ़ी की, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी अवगत कराई जाएगी। इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और किसान कर्ज माफ़ी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों जल्दी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।